My near and dear ones, a very warm welcome to all of you in our beautiful channel Sabka Topper. And in this video, we are going to discuss the remaining portion of significant figure in chapter units and measurement. So let's start. So यह हम देखते हैं significant figures part 2 में, और यहाँ जो सबसे important point हम देखने वाले हैं कि कहा जाता है कि significant figures जितने ज़्यादा numbers में होंगे उतना ज़्यादा आपका accuracy होगा, उतना ही ज़्यादा मेजरमेंट में प्रेसीजन होगा। तो कितना एक्यूरेसी और कितनी प्रेसीजन हम डाल सकते हैं एक मेजरमेंट मेथड में, है ना, फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो रिपोर्टिंग हम करते हैं उसमें कितने मैक्सिमम हम डाल सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसमें यह समझना है कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स हम ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ना, greater the accuracy and also higher the precision, this is important point। तो यहां से देखने वाली बात है कि अगर significant figure को हम बढ़ाते जाएंगे तो precision हमारा बढ़ते जाता है, accuracy बढ़ती जाती है। जो एक जस्ट हम वहां पर एक example के सहारे बताए थे कि अगर हमारे पास, अगर सपोज करो एक थिकनेस या कोई चीज़ का मेजरमेंट हमने किया, सपोज 2.023 सेंटीमीटर आया, ओके, उसी मेजरमेंट को हमने दूसरे इंस्ट्रूमेंट के सहारे किया, ये सपोज करो वर्नियर स्केल से किए, उसी इंस्ट्रूमेंट को हमने पावर स्केल से किया या माइक्रोमीटर स्केल के से किया, तो उसका ये आ गया 0.237 सेंटीमीटर, ओके। अब यहाँ दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रेसीजन आपका इससे ज़्यादा प्रेसीजन इसमें है, क्यों, कि ये ज़्यादा रिजॉल्व किया गया है। तो ज़्यादा रिजॉल्यूशन अगर हो गया तो इसका मतलब ये है कि अगर इस केस में हम फ्रैक्शनल एरर का कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा, इसमें फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 0.0001 डिवाइड बाय 0.237 अब मल्टीप्लाई बाय, अगर फ्रैक्शनल एरर हो गया तो इतना होगा। अगर ऊपर वाले केस में फ्रैक्शनल एरर देखेंगे तो इस केस में फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, 0.01 डिवाइडेड बाय 0.23, ये फ्रैक्शनल एरर होगा। तो ऑब्वियस है कि आप देखो ये जो प्रोसेस होगा इसमें फ्रैक्शनल एरर ज़्यादा आ रहा है। इसमें अगर सपोज लो 4.34% आता है, अगर परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.3% आता है, तो इसमें 0.422 के परसेंट के रूप में आ रहा है हमारा परसेंटेज में। तो क्या होगा, ये प्रेसीजन ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर क्या आया हमारा, इसमें एरर कम हो गई, सो दिस एक्यूरेट। तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट जो लिखा गया है, इस दोनों को आप कोरिलेट करो। मैं जस्ट वीडियो की क्वालिटी के कारण जो है इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, और इसको जस्ट मतलब इस तरह से लें, लेकिन फास्ट बताने में भी एक अपना एक मजा है कि फास्टली आप इसको कवर करो, है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये इसमें परसेंटेज एरर क्या होगा, हाइयर, ज़्यादा परसेंटेज एरर आ रही है, ज़्यादा परसेंटेज एरर आने के कारण ये एक्यूरेसी ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर प्रेसीजन ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर आपका क्या आ रहा है, कम आ रहा है। फ्रैक्शनल एरर ज़्यादा आने का मतलब एक्यूरेसी भी बढ़ रही है, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर हमने यही चीज़ समझने की कोशिश करना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना डाल सकते हैं हम। तो न्यूमेरिकल प्रोसेस जो भी होगा, जो कैलकुलेशन में जिस भी एक फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी पर बेस्ड होता है, तो उसके कैलकुलेशन के बाद हम देखते हैं कि कितने नंबर हम सिग्निफिकेंट फिगर उसमें एकोमोडेट कर सकते हैं, ना, अगर मोर देन सिग्निफिकेंट नंबर डाल देते हैं उसमें तो दैट विल बी मिसलीडिंग, है ना। तो उस मिसलीडिंग को कवर करने के लिए सर्टेन रूल्स हमने बनाया है जो साइंटिस्ट ने दिया है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होगा, जो हमारे पास 4 ऑपरेशंस हैं, उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे एकोमोडेट करते हैं, तो उसको हम जस्ट इसको रब करके फिर आगे की ओर कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में जो सिग्निफिकेंट फिगर को हम फाइनल करेंगे उसमें ये चीज देखना है कि आपको फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज many
significant figures as are there in original number having least number of significant number. इसका मतलब ये समझना है आपको कि जो मल्टीप्लीकेशन और डिविजन हम लेते हैं तो फाइनल रिजल्ट में हम इतने सिग्निफिकेंट फिगर को डालने वाले हैं जो कि ओरिजिनल जो मल्टीप्लीकेशन का जो इनिशियल नंबर होगा उसमें जिसमें सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होगा उतना ही नंबर काउंट करके हम फाइनल रिजल्ट में डालने वाले हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर देखें हम हम देखने वाले हैं कि लाइट ईयर का कंसेप्ट होता है, जैसे कि लाइट की स्पीड कितनी होती है हमारी 3.00। यहाँ पर हमने क्या किया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिया, 3.00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गई या फिर सी होता ही है ना, और जो टाइम होता है हमारा ना वन लाइट ईयर में कितने टाइम होते हैं, 365 डेज को 365 डेज को हम घंटे मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका जो यहाँ पर आइडिया जो नंबर आते हैं हमारे पास वो टाइम का कंसेप्ट, ये वेलोसिटी हो गया हमारा, ये वेलोसिटी हो जाता है, और यहाँ पर टाइम का कंसेप्ट हम देखते हैं, ये टाइम हो गई आपको, ये होता है 3.1557 × 10⁷ सेकेंड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, लाइट ईयर को कैलकुलेट कर रहे हैं। लाइट ईयर कैलकुलेट करने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी इंटू टाइम कर देंगे तो वो डिस्टेंस जो कवर्ड होता है लाइट के द्वारा वन ईयर में, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन आता है तो ये आ जाती है, अगर 3 लाइट ईयर के कंसेप्ट हम देखें, लाइट ईयर कंसेप्ट 3.1, इसका जो हम देखते हैं कि 3.00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू क्या होगा 3.1557 × 10⁷ सेकेंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो पॉइंट हमारे पास आता है वो उसमें जो रिजल्ट आती है वो आता है हमारा 9.46728 × 10⁵ मीटर। ये आंसर आ रहा है हमारा। अब दिस यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये रूल को अप्लाई करते हुए हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हम देखें, ये 10⁵ तो इरेलेवेंट होते हैं हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन में, 10⁻ जितना भी होगा वो इरेलेवेंट होता है हमारे पास, उसकी कैलकुलेशन नहीं होती सिग्निफिकेंट फिगर में। बट यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, इतने आते हैं कम से कम। यहाँ पर जो आप देखो कि इतने में हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर को इसके लिए अवेलेबल करेंगे रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसमें देखिए कि फर्स्ट जो ओरिजिनल नंबर था हमारा, ये टाइम के लिए कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, डिजिट आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3 है ना, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। तो इसको हम यही चीज़ समझना है इसमें कि यहाँ पर आपका आंसर जो आना चाहिए कि ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स माननी चाहिए। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आनी चाहिए तो यहाँ पर 7 to 8 का क्या होगा, 9.46 में 7 to 8 को हम कैसे एकोमोडेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसके कारण हम एक राउंडिंग ऑफ का भी कंसेप्ट दे देंगे आपको कि राउंडिंग ऑफ करने का क्या मतलब होता है, क्यों यहाँ पर मिसलीडिंग हो जाएगी। यहाँ पर जो लिस्ट काउंट का कंसेप्ट आ रहा है या प्रेसीजन की जो कंसेप्ट आएगी वहाँ पर प्रेसीजन क्या होता है, रिजॉल्व, इतना रिजॉल्व कर दो आप कि आंख उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाए ना, दैट इज द डिमेरिट्स ऑफ दैट प्रेसीजन रिजॉल्यूशन। तो इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, दैट विल बी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट फिगर अगर 3 सिग्निफिकेंट करना है तो ये यहाँ आ रहा है आंसर 9.46 और 7 है, यहाँ से 7 से इसको हम लोग हटाते हैं, डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं इसके लिए, तो ये अनसर्टेन डिजिट पर हम उसको उसके इफेक्ट को ले आते हैं कि 9.47 जो है हमारा इसमें कंसेप्ट आ जाएगा 9.47 × 10⁵ मीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर 9.47 × 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में 9.47, तो इसको जस्ट हम ऑफिट आगे बढ़ते हैं, इसको आगे आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो राउंडिंग ऑफ के बाद हमारा कंसेप्ट आ रहा है 9.47 × 10⁵ मीटर, इसके कारण हम ये देख लिए कि सिग्निफिकेंट फिगर अब जो है मिसलीडिंग नहीं हो रही है। अब रूल्स फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट्स को देते हैं एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द
नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। अब ये एग्जांपल के तौर पर ये देखना है आपको कि 2.512 एक नंबर है हमारे, एक नंबर है, और 11.7 एक नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसको एडिशन करते हैं हम तो ये कितना आ रहा है, 14.212 आ रहा है। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सबसे लिस्ट लोएस्ट नंबर डेसिमल प्लेसेस होगा, डेसिमल पार्ट जो इसका है 512, और यहाँ पर इसका डेसिमल पार्ट कितना है 0.7, तो ये वन डेसिमल प्लेस है या थ्री डेसिमल प्लेसेस में है, तो वन डेसिमल प्लेस को हम लोग ऑप्ट करेंगे आंसर के लिए, रिजल्ट को डिस्प्ले करने के, रिजल्ट को रिपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर जो होगा 2212 है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 12 को हम यहाँ से पास आउट करेंगे, यहाँ पर हटाएंगे इसको, इसको ड्रॉप करने की बात होती है। तो यहाँ पर 14.2, चूंकि अब इसमें राउंडिंग ऑफ में जब देखते हैं तो ये जो नंबर है 5 से कम में आ रहे हैं, इसलिए इसको हम एजिटी छोड़ के रिमेन्स अनचेंज रख देते हैं। ये हमारा 14.2 आंसर आ रहा है ना, मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट्स होंगे उस यूनिट्स में। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो अभी हमने जो रूल देखा सिग्निफिकेंट फिगर में, तो वहाँ पर राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट जरूर हमको आना चाहिए, तभी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि किस तरह से होता है। अब ये कहने का मतलब है कि 2.543 है, इसको अगर हम 3 डिजिट पर राउंडिंग ऑफ करना चाहेंगे क्या होगा कि 1, 2, 3, इसका 3 आता है तो 3 क्या है 5 से कम है, इसीलिए इसको जो हटाए ड्रॉप करेंगे हम, ये लेफ्ट अनचेंज रखना पड़ेगा हमको। तो ये इसका आंसर आएगा 2.454 आ जाएगा। ये जो है सो 5, 6 जो है सो 5 से ग्रेटर देन है, इसीलिए अगर इसको ड्रॉप करना होगा तो ये 2.55 हो जाएगा। इस 5 में एक इंक्रीज करेंगे हम, 1 इंक्रीज कर देना होगा, और 2.545 में अगर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर लास्ट डिजिट हमारा 5 होता है या 5 जो है सो फॉलो करता है 0 से भी 1 से भी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके जस्ट प्रेसिडिंग डिजिट अगर इवन है तो इवन को अनचेंज छोड़ देते हैं, 2.54 हो जाता है। अगर इसका प्रेसिडिंग डिजिट जिस 5 को हटाना पड़ेगा और 3 डिजिट में आपको इसको राउंडिंग ऑफ करना है, इसका प्रेसिडिंग डिजिट अगर उससे पहला डिजिट अगर ऑड है, ऑड में हम 1 को ऐड करते हैं तो 2.56 इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो आएगा 2.56 आ जाएगा। So that's all about your significant figures, and now in next video we will discuss around time of discuss about the dimensional analysis. So please subscribe our channel.